कप शुरू हो चुका है और वीक टीमों के मुकाबले चल ही रहे हैं, लेकिन अब जो अभी भी एक और वीक टीम का मुकाबला है लेकिन वो है स्ट्रॉन्ग टीम से। लेकिन इंडिया वर्सेस आयरलैंड में ना आप ना ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रॉन्ग वीक टीम का मुकाबला हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप वीक टीम का मुकाबले की बात करेंगे तो फिर आयरलैंड ने एक डेंजरस काम किया हुआ और आयरलैंड जो है वो पाकिस्तान को मैच हरा चुकी है, और आयरलैंड अगर पाकिस्तान को मैच हराया है तो इंडिया के लिए थोड़ा सी टेंशन की बात है। माना कि इंडिया के लिए इतनी टेंशन की बात नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान की तरह जिस तरह खेला है आयरलैंड ने और खुल के मारा है, वो थोड़ी सी जो है इंडिया को टेंशन देगी। और एक एक माइंड में रहता है ना, आपको पता है कि एक चीज माइंड में रहती है कि यार अब आयरलैंड वो टीम नहीं रही, ओमान नहीं है, यूएसए नहीं है, कनाडा नहीं है, आयरलैंड एक थोड़ी सी तगड़ी टीम है, तो आयरलैंड को लेना अब जरूरी पड़ जाता है कि सीरियस लेना जरूरी पड़ जाता है। तो अब देखना यह है कि टीम इंडिया किसको आगे लेके चलती है, रोहित शर्मा को लेके जाएगी या फिर रोहित शर्मा और जयसवाल ओपनिंग करते हैं या विराट कोहली ओपनिंग करते हैं, और स्पिन अटैक पे किसको लेके जाती है, अक्षर पटेल को मौका मिलता है या कुलदीप यादव को, श्याल को मुझे लगता है अभी श्याल को नहीं इस्तेमाल करेंगे, और पैंट जरूर नजर आ रहे हैं मुझे, सुमन दुबे का मुझे नहीं पता कि मौका मिलता, अगर जयसवाल नहीं खेला तो सुमन दुबे खेलेगा, लेकिन अगर जयसवाल खेल गया तो दुबे की जगह नहीं बनती। आयरलैंड के खिलाड़ी बड़े सख्त एक्शन में हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स की धुनाई की है, और अगर पिच देखी जैसे अभी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हुआ उसकी पिच का ये हाल रहा, तो फिर तो यार वो बिल्कुल T20 पिच तो हुई नहीं ना, वो तो बिल्कुल ही बॉलिंग पिच रही, अगर इस तरह रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी बैटिंग पिच होगी और इंडिया को अच्छा मौका मिल जाएगा पाकिस्तान खिलाफ मैच खेलने से पहले, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक ग्राउंड का सिचुएशन समझ में आ जाएगी। अब कल मैच है इंडिया वर्सेस आयरलैंड का और उम्मीद करते हैं कि इंडिया कुछ अच्छा परफॉर्म देगी, लेकिन मुझे लगता है आयरलैंड टफ टाइम देगी। हाँ, इतना टफ टाइम देती है जितना पाकिस्तान को दिया था वो मुझे नहीं पता इस बारे में ये, लेकिन आयरलैंड को अगर इंडिया ने सीरियस नहीं लिया और इजी ले लिया और ओमान और कनाडा और ये युगांडा जैसी टीम, यूएसए जैसी टीमें समझ ली, तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी इंडिया, क्योंकि ये आपको भी पता है आयरलैंड हो जाए, स्कॉटलैंड हो जाए, नीदरलैंड हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, ये अपसेट करती हुई आई है माजी में आईसीसी इवेंट्स में, तो कहीं ये ना हो कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अपसेट आयरलैंड पाकिस्तान के खिलाफ अपसेट कर देगा, कहीं ये ना हो कि इंडिया मैच हार जाए और अब एक अपसेट हो जाए। सो ये एक बड़ा है टेंशन की बात, ये आप भी बताइएगा आपकी क्या राय। असल में मेरी औलाद जो है थोड़े से डिस्टर्बेंस हो रही थी, आपको थोड़ी सी आवाज में मुश्किल आ रही होगी, अभी मैं यहाँ पे वीडियो कट करता हूँ, और क्या आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान में कौन ये मैच जीतेगा, और ये कमेंट से जरूर रिप्लाई कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।